सभी टॉप लीडर्स मैनेजर मैनेजमेंट की तरफ सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये दो दिन का जो माहौल था ऐसे बरकरार रखे, आपके जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है मित्रों। लेकिन मेरा अपलाइन अभी देखा नारा भंडारे सर, जरा जोरदार ताली उनके लिए। भाषा आना ना आना ये बात की बात है, लेकिन पैसा गिनने आना चाहिए और वो सब इस्लाम की गाड़ी में घूम रहा है। ट्रांसलेटर रख सकता है, इतनी बड़ी ताकत वो नाला में है। तो ये चीज है दोस्तों कि जब आवासीय सागर 23 साल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में रहा, 30 रुपए लेके पुणे में आया था, लेकिन उसका 30 करोड़ करने के बावजूद 2014 में और 13 में दोनों साल में 23 साल का तजुर्बा पूरा खत्म हुआ। और मैं वो चीज में मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन एक लेडीज की सक्सेस स्टोरी आप उनको जरूर बताने वाला हूं। जब मैं मेरे हादसे में था, उसमें से बाहर आने के लिए मुझे नहीं जम रहा था, तो मेरी धर्मपत्नी सामने आ गई और मैं उनको भी आगे बुलाना चाहता हूं। उनके सामने मैं उनकी एक स्टोरी बताना चाहता हूं। जरूर चाहूंगा। तो उस टाइम में मेरे को चाय पिलाने का मौका मेरे को मिला, जो एसिडिटी की तकलीफ थी और मैं तो पैसे के तकलीफ में बहुत सारा था। 6 करोड़ का मेरे सर पे बोझ लेके घूम रहा था, एक साल कुछ नहीं काम मेरे हाथ में भी नहीं था। और उस टाइम मेरे चाय ने मेरी सारी दुनिया बदल दी। उसका जरिया है संगीता क्षीरसागर, जो 23 साल उनका एक चाय मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाया, वो थोड़ा सा पीपीटी के जरिए जाएगी। अपन 2 मिनट में वो शेयर करना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन शादी होने के बाद किसी यहां बैठे हुए लोगों का झगड़ा पहले हफ्ते में हुआ है, ऐसा कोई है या? सुबह से रात कब आते पता नहीं चलता, लेकिन 4 दीवारों में मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। मुझे या तो सोशल वर्क करने दो या मेरे को कुछ पैसा कमाने का मौका दो। लेकिन मराठी माणूस काय म्हणतो कि माझ्या मनगटात जो पर्यंत दम आहे तो पर्यंत तुला काही करायची गरज नाही। हाच मराठी माणूस त्यावेळेस जागा झाला आणि 2013 ला त्याचा अंत्यविधी झाला मित्रांनो। आणि त्या दिवशी लक्षात आलं की आपल्याकडे एक वेपन असं आहे की काहीतरी करू शकेल, आणि मी फक्त तिला यस म्हटलो, बाकी काही बोललो नाही। मला चहा सांगितलं की बाबा हे चहा तर फायदेशीर आहे, पण तुम्ही ह्याच्यातनं बाहेर तुम्ही जर चहा विकत फिरला तर मला जमणार नाही। कारण पाटलाचं खानदान आहे, नाव पाटील मुद्दाम सातवीत काढलं, कारण 400 एकर वरून 40 वर कधी आलो कळलंच नाही। वस्तू तिथे लातूर निलंगा तालुका बाबुळगावच्या बाजूला माझं गाव आहे, विलासराव देशमुखच्या खानदान पाटलाच आहे, पण पाटील की हे नाव कलंक आहे असं वाटायला लागलं म्हणून मी क्षीरसागर लावलं होतो। आणि याच्यातूनच फक्त तिला यस म्हणलं, तू फक्त माझ्या ऑफिसमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीला फक्त तू चहाबद्दल माहिती देऊ शकते आणि नातेवाईकाला देऊ शकते। आणि त्याच्यातनं काय करिश्मा 3 वर्षांमध्ये झाला, ज्यावेळेस ती म्हणाली मला बिझनेस आहे तर करायला यस आहे, पण मी पहिल्याच महिन्यात तिला म्हटलं पुढच्या महिन्यात किती बिझनेस आला, दर महिन्याच्या 11 तारखेला काहीतरी बोनस येतो म्हटली होती। तिने सांगितलं सर 84 रुपये फक्त, सर दिवसाचा 500 रुपये माझा चहाचा खर्च आहे आणि मला 84 बोनस। मी म्हटलं अगं काही नाहीये, ते समाजकार्य करत राहा, एवढं सांगितलं तिला थांबवलं नाही। आणि त्याच्यातून बघितलं तर ही एक हाऊसवाईफ माझ्या लाईफमध्ये काय बदल झालाय हे सांगण्यासाठी पीपीटी चालू केली आपण। तर त्याच्यातूनच 84 रुपये माझं शेवटचं काम आहे 2014 मित्रांनो, 10 कोटीचं काम मला फक्त 120 दिवसांमध्ये हँडओव्हर करायचं होतं। 10 करोड का काम 120 दिन में अगर मैं पूरा नहीं किया तो पर आवर मेरे को 10,000 रुपये पेनाल्टी
पर आवर थी सर, वो चैलेंज मैंने लिया और 90 दिन के अंदर 6,65,00,000 का काम करने के बाद 2,64,00,000 रुपए मेरा लटक गया एक पार्टी के सामने, वो अभी तक आया नहीं है। उसके पहले मैं एक बिल्डरशिप में था और एक बिल्डिंग बनाया लातूर शहर में, वहां मैं 3 करोड़ में लॉस में था। तो 6 करोड़ का ये तजुर्बा लेने के बाद मैं वहां काम कर रहा हूँ और वो चाय के पीछे लगी है, लोगों को बोलना चालू किया है। अब उसके बाद मेरे को ये पता नहीं है सर, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मैं अगर एक चैलेंज लिया ऊपर और पेनल्टी, मेरे लाइफ में कभी मैं पेनल्टी लिया नहीं, इतना मैं मेहनत करता था। तो ये बस से शिवाजी नगर से प्रोडक्ट कैरी बैग से लाती है और कातरज में सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, नए लोगों को नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को एक प्रोडक्ट देने के बाद वो पैसा लेती है और दूसरे ट्रिप को जाने के बाद वो पक्का बिल करके 3 साल इन्होंने मेहनत करके फिर आज बस से मुझे पता नहीं है, मेरे पास ड्राइवर है, गाड़ी है, उसी टाइम में भी लॉस भी होने के बाद मेरा ऑफिस है 19 साल से कंस्ट्रक्शन का, 30-40 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, 1,000-1,500 लोग मेरे साइट पे काम कर रहे हैं स्किल्ड अनस्किल्ड बोल के, लेकिन स्टाफ जो था 7,000 से 80,000 महीने का मैं सैलरी पे करता था उस टाइम में। इनका ये दौर चालू है मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला यार तेरी मिसेस आजकल शिवाजी नगर दिखती है, कहीं बस में दिखती है। मैं उनको पूछता तो वो बोलते कि मैं कहा, कुछ भी नहीं, किसी और को देखा होगा। बाद में एक दिन बस के हमारे टीएमपी के दादा पाई की करीब वही थे, उन्होंने बोला सर आपकी मैडम डीएक्स की चाय के लिए वो आती है, लेकिन हम सिग्नल भी देखते नहीं, जहां वो दिखेंगे वहां गाड़ी कर खड़ा करके हम उनको लेते। तो ये चीज़ लोगों ने उनको सपोर्ट दिया, मैंने खुद ने नहीं दिया। कल के टॉप क्राउन एम्बेसडर दोनों भी मैडम, स्वाति मैडम भी बोला कि पीछे खींचने वाले बहुत लोग रहते हैं और इनके तो घर में आदमी था, जामरी लगा था। तो ये चीज से इन्होंने सिलसिला चालू किया। स्लम कंट्री, स्लम एरिया में एक मेरा कंस्ट्रक्शन का ऑफिस था, लेकिन वहां कोई आता नहीं है, खाली हेल्पर मेरे सैलरी के लिए आते हैं। तो वहीं पे इनको एक कॉर्नर सजा के दिया मैं, और वहां से 25 चाय बेचना चालू करते करते एक डायमंड निकल गया करमाला में, उनका नाम है नितिन शिंदे सर, जरा जोरदार ताली के लिए। सारे डायमंड निकला क्योंकि मेरे को खबर नहीं है। और बाद में ये मेरा कंस्ट्रक्शन का ऑफिस कन्वर्ट हुआ डीएसएन में, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे को वो ऑफिस से इन्होंने भगा दिया मेरे को। बोले सर ये लोग बहुत भीड़ कर रहे हैं, मेरे को यहाँ बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, उनको बैठने के लिए चाहिए, तो मैं 7,000 भाड़ा पे करके ये 2 किलोमीटर दूर मैं एक 2 BHK ऑफिस ले लिया। अब उसके बाद ये चालू करने के बाद ये पावर ऑफ लेडीज ये मीटिंग चालू हुआ, उनके लिए अप्लाई मिले, प्रवीण सर और आरती मैडम इन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि कंटिन्यूस ये 8 साल काम करते रहे, लेकिन उनको वहां ऑफिस नहीं मिलता था, तो उनको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन का ऑफिस मिला और मैडम भी मिली, तो उनको बोला कि आप स्टॉकिस्ट हो जाओ। और ये यहाँ से सिलसिला चालू हुआ, ये हॉल वहां मिला था, 31-40 लोग वहां बैठते थे। उसके बाद दूसरा ये दूध का 22 साल के इस साल से काम करने वाले नवनाथ कोदरे बापू, इनके लिए जरा जोरदार ताली। सर ये लोगों ने मेरे को सिखाया डीएक्शन, मैं इनको क्वेश्चन किया था भाई 22-23 साल दूध का बिजनेस कर रहे, तो मैं बोला इसको प्रॉफिट कितना मिलता था, ये थैली के ऊपर 1 रुपया, तो 6,000 लीटर के ऊपर पर डे 6,000 रुपया कमाने वाला बंदा डीएक्शन क्यों कर रहा है। तो उनकी यहां से मेरे को थोड़ा सा हाईलाइट हुआ कि कुछ तो इसमें पावर है, और बाद में मैडम को बोला आपका बोनस कितना आया मेरे को दिखाओ, तो वो ऐसे ही बोली कि 2,700 रुपया कुल मिला के हुआ है। और उसके बाद मैं फंस गया वो प्रोजेक्ट में। अब उनके बाद ये डायमंड बन गए, 3 डायमंड हो गए। और वहां जब मैं बोला कि मैडम अभी आपका बोनस कितना है, तो वो 2 मिनट कुर्सी से उठा, बोले 2 मिनट वेट करो। अब उन्होंने प्रिंट आउट निकाला सर, वो प्रिंट आउट था 11,060 रुपया खाली,
लेकिन मेरे को वो इतना बड़ा शॉक लगा कि मेरी रिसेप्शनिस्ट है वो 7,000 में काम कर रही है और मेरी ऑफिस में बैठ के अगर ये 11,000 कमा रही तो मैं 1 साल के अंदर 1,11,000 बना सकता हूँ। और यहां से मैं शुरू किया थोड़ा सा स्टडी करना और प्रवीण सर वहां बार बार मेरे को बोलते थे। उस पीरियड में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का पता चला मुकुंद जी से, इनके लिए जरा जोरदार गाली हुआ। दो दिन का एक वर्कशॉप में इन्होंने बिठाया मेरे को, उन्होंने कूट कूट के ठोस के इतना गाली गलौज वो बंदे ने किया मैं जिंदगी में मैं सुना नहीं, क्योंकि मैं खुद गाली देने वाला बंदा, क्योंकि अनस्किल्ड आदमी मेरे पास काम कर रहा है तो उसको गाली के सिवा काम ही नहीं होता, आउटपुट नहीं निकलता। उससे बख्तर गालियां उन्होंने दिया और वहां से मेरे को पता चला डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। वो बंदे का नाम है, उनके गुरु है और मेरे दादा है, उनका नाम है यश प्रशांत। वो बंदे ने मेरे में 270 लोगों में, मैं 45 उम्र का एक ही था सर, वो 27-30 के बीच में के लोग थे और तब पता चला। और प्रवीण सर ये डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और इनकी हिस्ट्री